स्टूडेंट आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बीएसबी में। आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर 2022 का, आज हम लोग का 12th का हिंदी का देखेंगे मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर लेखक आपको बताना है कौन है। ऑप्शन में है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है उदय प्रकाश, ऑप्शन डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शिक्षा के संभाषण के प्रश्न है एक। फर्स्ट में क्या बोला है? जयप्रकाश नारायण। बी में बोला भगत सिंह। सी में बोला जय कृष्ण मूर्ति। डी में नामवर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति। उसके बाद चलते हैं हम लोग थ्री नंबर के क्वेश्चन पे। थ्री नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मलयज का मूल नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको मलयज का मूल नाम बताना है। ए भारत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी में है राम सक्सेना, ऑप्शन सी में है त्रिलोकी श्रीवास्तव, ऑप्शन डी में है गंगाराम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है प्रगति और समाज विधा की सृष्टि है। तो फर्स्ट नंबर ए क्रिटिकल क्रिटिक्स, ऑप्शन बी है जीवनी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी लालिट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल क्लिक्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग फाइव नंबर के क्वेश्चन पे। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फाइव नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए क्रम प्रधान, ऑप्शन बी भाव प्रधान, ऑप्शन सी विशेषता प्रधान, ऑप्शन डी धर्म प्रधान। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म प्रधान। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सिक्स पे। क्वेश्चन सिक्स देखिए क्या बोल रहा है। सिपाही की माँ कैपेस्टियन टैक्स के चकियता कौन है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी राजेश्वर, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मोहन राकेश आपका करेक्ट आंसर हो। तो सेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सेवन नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है। ए ऑप्शन ए मुकुंडी देवी और छोटनलाल, ऑप्शन बी दमंती देवी और मांगनी लाल, सी गीता देवी और मंगल राम, डी प्रभा देवी और मंगल राम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग एट नंबर के क्वेश्चन पे। एट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एट नंबर का क्वेश्चन बोला है यहाँ पे भगत सिंह का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए 28 सितंबर 1950 को, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1947 को, ऑप्शन डी सितंबर 1940 को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलते हैं हम लोग नाइन नंबर के क्वेश्चन पे। नाइन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सदा निरा किस नाली को निर्मित पत्र लिखा गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नहीं दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलते हैं हम लोग टेन नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। धागा शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या है।
ए शरीर का मनुष्य, ऑप्शन बी शरीर का मनुष्य, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार, ऑप्शन डी लंगड़ा शरीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापार का विस्तार। तो गाइस हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव इसमें कर लिए हैं और यहाँ पे आप लोग का वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट पे, इस मॉडल पेपर पे और सारा ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं इससे आगे आपको ऑब्जेक्टिव सारा प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।